नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हमारे बर्ड सेटअप के अंदर मटकियाँ हमको किस तरीके से उतारनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद में मई और जून आ जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि हमें अपने बर्ड सेटअप की ब्रीडिंग प्रोग्रेस को कैसे रोकना है, जिससे कि सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी रुक जाए और हमारे बर्ड्स को ब्रीडिंग हमारे बर्ड जो दोबारा से ब्रीड पर ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही गुजारिश है, जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे यूपी पैरट बर्ड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको अपने बर्ड सेटअप के अंदर से मटकियाँ किस तरीके से उतारनी हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये है, ये मटकी पूरी खाली है तो आप लोगों को इस मटकी को रिमूव कर देना है। उससे सेकंड मटकी हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ अंडे पड़े हैं और एक चिक्स है, तो इस चिक्स को हम क्या करेंगे, दूसरी मटकी के अंदर शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि ये भी मटकी खाली हो जाएगी और ये फीमेल भी फ्री हो जाएगी। अब दोस्तों, हमें नीचे बैठ करके थोड़ा इंतज़ार करना है और उस फीमेल को जो है पकड़ करके अलग कर देना है। कोशिश आपको ये करनी है कि मेल और फीमेल दोनों को ही पकड़ के अलग कर दें। अगर आप लोग दोनों को अलग करने की आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो आपको फिर ये करना है कि उस फीमेल को ही पकड़ करके अलग कर देना है और मेल को कॉलोनी के अंदर रहने देना है। क्योंकि दोस्तों, फाइट जो होती है वो फीमेल फीमेल के अंदर होती है और मेल मेल के अंदर जो फाइट होती है वो फीमेल के पीछे होती है, पर मेल मेल के अंदर ऐसी फाइट नहीं होती कि वो एक दूसरे को जान से मार दें, पर फीमेल फीमेल के अंदर फाइट जो होती है वो इस तरीके से होती है कि वो एक दूसरे को इतना बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं कि वो एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपके पास जगह है तो आप दोनों को ही अलग कर सकते हो एक ही जगह पर, और आपके पास जगह नहीं है तो आप जो है सिर्फ फीमेल को पकड़ें और उसको अलग कर दें, अलग सेटअप के अंदर, अलग पिंजरे के अंदर उसको रख दें कुछ समय के लिए, जब तक आपकी कॉलोनी के अंदर जो भी आप की मटकियाँ लगी हुई हैं सारी मटकियाँ आप ना उतार दें, जब तक आपको उस फीमेल को उन सभी बर्ड से अलग रखना है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि अगर हम मेल और फीमेल को अलग अलग रख देंगे क्या उनका पेयर नहीं टूटेगा? बट नहीं दोस्तों, ऐसा है कि कुछ समय के लिए अगर आप अलग रखते हो तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, अगर आप परमानेंटली अलग कर देते हो तो उनको जोड़ा भी टूटेगा और वो फीमेल जो है दूसरे मेल से भी जोड़ा बना लेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर मैं बताऊं, जोड़ा टूटने वाली बात तो ऐसी है कि जोड़ा नहीं टूटेगा। अगर आप कुछ समय के लिए अलग करोगे फिर उसके बाद में उन सब बर्ड्स को एक साथ ही छोड़ दोगे तो जोड़ा नहीं टूटेगा। वहीं अगर आप परमानेंट अलग कर दोगे, फीमेल को अलग कर दोगे, मेल को अलग कर दोगे, तो वहाँ पर जोड़ा टूट जाएगा और फिर फीमेल जो है दूसरे मेल से पेयर बना लेगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम मटकियों को रिमूव करने का नंबर लगाते हैं। और मैं आप लोगों को यही बात बताना चाह रहा था कि मैं भी अपने बर्ड सेटअप से मटकियाँ उतारने लगा हूँ और आप लोग भी अपने बर्ड सेटअप से मटकियों को उतारने लगें। जो जो मटकियाँ खाली हों वो मटकियाँ आप रिमूव कर दोगे तो होगा ऐसा कि आपके बर्ड सेटअप के अंदर बहुत जल्द से ब्रीडिंग स्टॉप हो जाएगी और फिर उसके बाद में आप अपने बर्ड्स को अगली सीज़न के लिए अच्छे से तैयार कर लोगे और अच्छे से उनकी खिलाई पिलाई कर लोगे। तो मैं भी अपने बर्ड सेटअप से मटके उतार लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों, हमने अपने बर्ड सेटअप के अंदर से ये अभी 5 मटकियाँ रिमूव की हैं और धीरे धीरे हमको जैसे जैसे मटकियों के अंदर की पेयरों की पता लगता रहेगा उसी तरीके से हम मटकियों को हटाते रहेंगे और उनकी ब्रीडिंग ऑफ होती रहेगी। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों तक ऐसी और भी वीडियोस पहुंचती रहे। हम मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग बड़ी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।